अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। बस वेदर की वजह से थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है, जो फ्लू की वजह से वॉइस थोड़ी सी चेंज होगी मेरी। बाकी काफ़ी दिनों के बाद मैंने व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। काफ़ी बिजी हो गए, फैमिली में दो शादियाँ आ गई हैं जिसकी वजह से काफ़ी बिजी हो गए हैं। तो शादी के व्लॉग तो मैं बाद में अपलोड करती रहूँगी इंशाल्लाह। बाकी ये है कि अभी काफ़ी बिजी थी, कुछ आहिल के एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, तो बस ये है कि सोचा कि आप लोगों के साथ डेली रूटीन शेयर कर लूँ। आहिल को मैं कैसे ब्रेकफास्ट देती हूँ, लंच रेडी करती हूँ उसका, और किस तरह उसको स्कूल में भेजती हूँ। तो आज वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आहिल का सैंडविच मैं कैसे बनाती हूँ, लंच बॉक्स कैसे रेडी करती हूँ। इसमें यह है कि मैं ऑलरेडी चिकन को श्रेड करके रख लेती हूँ फ्रीज़र में। समटाइम मैं इस तरह सैंडविच बना देती हूँ, फ्रेश बनाती हूँ, उतना ही लेती हूँ जितना एक सैंडविच बन जाए। और समटाइम ये कि टिक्के की तरह उसको करके रख लेती हूँ। और ये कि डिफरेंट डिफरेंट वो डिमांड करता है, कभी एग वाला सैंडविच होता है, कभी चिकन वाला सैंडविच होता है। तो बस कुछ ऐड करके, कैबेज नहीं था तो कभी कुछ ऐड करके बना देती हूँ सैंडविच, कभी कोई चीज़। तो बड़े खुश होके सैंडविच वगैरह वो लंच कर लेता है। तो आगे पीछे जब कोई दूसरी चीज़ें दूँ तो कम मतलब खाता है, तो सैंडविच होगा तो बहुत खुश होके खा लेता है। बाकी सैंडविच तो आहिल का मैंने रेडी कर लिया है, और स्लाइस जो है मैं जो लेती हूँ, ब्रेड जो लेती हूँ, सैंडविच ब्रेड ही लेती हूँ जिससे सैंडविच अच्छा बन जाए। तो इस तरह इसको रैप करके तो बाकी इसको मैं दे देती हूँ। साथ में पैकेट्स जो होते हैं केचप वाले वो भी रख देती हूँ। तो यहाँ पे अब इसका ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है। तो मुझे कह रहा था कि मामा मैंने फ्रेंच टोस्ट खानी है, तो मैं फ्रेंच टोस्ट बना रही थी, जिसके लिए मैंने शुगर और मिल्क को पहले अच्छी तरह, ताकि जो शुगर है डिज़ोल्व हो जाए मिल्क के साथ, तो उसके बाद फिर मैं एग ऐड करूँगी। तो फिर एग ऐड करने के बाद, ताकि फिर वो जो चीनी होती ना अच्छी तरह से मिक्स नहीं होती है, तो इसलिए पहले चीनी और दूध को अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं एग ऐड करती हूँ। और इसके बाद इसको हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना है, ताकि जो हमने शुगर वाला सिरप बनाया था वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यहाँ एक साइड पे मैंने एक स्लाइस ले लिया है, उसको मैंने क्यूब की तरह कटिंग कर ली है, ताकि बच्चे जो होते हैं ना खुश होके खा लेते हैं, डिफरेंट शेप्स बनी हो ना तो खुश होके खा लेते हैं। और इसको घी के अंदर फ्राई कर लेना है। तो आहिल को तो वैसे भी ये चीज़ होती है कि मुझे डेली ना कुछ डिफरेंट चीज़ें मिले, चाहे वो नाश्ते में हो, चाहे वो लंच लेके जाना हो इस चीज़ में। तो खाने में भी इसकी यही ज़िद होती है, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा मैनेज करती रहती हूँ खाने के अंदर। तो ये कि नाश्ता उसको डिफरेंट जो भी वो डिमांड करता है उसको मैं बना देती हूँ। तो ये है कि बच्चों का यही होता है कि उनकी मर्ज़ी से कुछ भी बना दो जो उन्होंने खाना होता है, ताकि वो चीज़ को खा लें अच्छी तरह से, पेट भर जाए उनका। तो यहाँ पे फ्रेंच टोस्ट रेडी हो गए हैं, और इसके साथ ही इसको मैं मिल्क दे देती हूँ जिसमें चोकोस ऐड कर देती हूँ, वो भी खुश होके खाता है और इससे थोड़ी सी एनर्जी भी आ जाती है। तो दूध ले लेता है साथ में इसके। मैं यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस कर लेती हूँ, वैसे तो मैं रात को ही रेडी करके रखती हूँ, लेकिन समटाइम अगर लेट हो जाए तो फिर मैं सुबह भी कर लेती हूँ। तो इनका जो यूनिफॉर्म है KG 2 तक यही यूनिफॉर्म है, ठीक है। इसके ऊपर इनका मोनो लगा हुआ है लाइस्टफ का। आहिल जो है अमेरिकन लाइस्टफ स्कूल में जाता है, तो जो इनका यूनिफॉर्म है वो फिक्स शॉप है वहीं से मिलता है, और या इनके स्कूल से ही मिलता है। तो बाकी KG 2 तक इनका यही यूनिफॉर्म रहेगा, KG 1 से इनका चेंज हो जाएगा। सॉक्स भी रेड लाइन वाली इनकी लगती हैं, वाइट के ऊपर रेड लाइन होनी चाहिए, इसी तरह सॉक्स होंगी इनकी। और जो KG 2 के बाद ये 1 में जाएगा, तो फिर इसका यूनिफॉर्म चेंज होके ग्रे में शिफ्ट हो जाएगा। और जब ये थोड़ा सा इसको फ्री टाइम मिलता है, जब मतलब सुबह टाइम होता है जाने में, तो फिर इसको मैं थोड़ी देर टेरेस पे ले आती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज़ वगैरह करवा देती हूँ, कोई टेस्ट हो या पेपर हो तो फिर यहाँ रिवाइज़ कर लेता है, स्पेलिंग वगैरह कुछ याद कर लेता है, ताकि फ़्रेश हो जाता है सारा। और फिर बस उसके बाद ये चला जाता है स्कूल। और वैसे मैं इसको आधा घंटा पहले ही घर से, क्योंकि थोड़ा सा काफ़ी दूर है हमारा यहाँ से, जो इसका स्कूल है काफ़ी दूर है, तो फिर मैं आधा घंटा पहले ही घर से निकाल लेती हूँ। और इसके साथ अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं बच्चों का बर्गर, और हम लोग कहाँ से बर्गर खाते हैं, और इतना ज़बरदस्त बर्गर होता है इनका, नफीस वालों का बर्गर हम खाते हैं, और टेस्ट इतना यम्मी होता है। काफ़ी दिनों से बच्चे मुझे कह रहे थे हमने जिंगर खाना है, तो फिर मैंने घर तो नहीं बनाया, तो फिर मैं नफीस वालों से समटाइम ले लेती हूँ।
और इनका ये मेन्यू कार्ड है, बहुत रीज़नेबल प्राइसेस हैं, कोई प्राइसेस भी ज़्यादा नहीं है, और टेस्ट बहुत अच्छा है, और ये लुक बहुत ज़बरदस्त है। टेस्ट भी सबसे बड़ी बात होती है टेस्ट की, और फ्रेश बनाते हैं, अच्छी चीज़ होती है, बहुत यमी बर्गर होता है इनका। तो बच्चों के बर्गर लेने थे तो इसलिए फिर मैं और भाई तो मार्केट गए हुए थे, तो वापसी पे फिर हम लोग बर्गर ले आए थे। इसके साथ ही मैं व्लॉग अब एंड करती हूँ। इंशाल्लाह वेडिंग के जितने भी व्लॉग होंगे मैं अपलोड करती रहूँगी, और सबसे पहले उन लोगों के लिए जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।